बच्चे भी सो रहे हैं, मैं उन पापा जी को मम्मी को छोड़कर आ भी गई, और मेरा सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, ये सब लगाना है, लगाती रहूंगी, पहले बच्चों को रेडी करूँ स्कूल के लिए, उसके बाद। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अंदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू ब्लॉग। कल की थकान के बाद ना हमने बाहर का खा के इतने परेशान हो गए, तो आज मैंने बनाई है खिचड़ी, है ना, नमकीन चावल। सही बने? बढ़िया। क्योंकि और कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का, सिंपल सा खाने का मन कर रहा था, कुछ सादा सा मिल जाए, है ना रीशू। और थकान इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा कि बस पूछो मत। आज मम्मी पापा चले गए तो ऐसा लग रहा है घर में कोई नहीं है, एकदम खाली। और बाकी अब मैंने तो रेस्ट कर लिया था सुबह से बहुत लेट, फिर बाकी काम करा अपना, और बच्चे लोग करेंगे रेस्ट आज स्कूल जाके। अब आए हैं ये, क्यों भाई, थोड़ा आराम कर लेना, ठीक है, नींद नहीं ले लेना थोड़ी सी, उसके बाद फिर अपना स्कूल का वर्क डन करना। ओके चलो, अब बताओ आप क्या कह रही थी। मैं कह रहा था कि दीदी को बोलो कि वो बाहर खेलना चले, वरना तो मैं रो भी जाऊंगा और टीवी भी बंद कर दूंगा। रोने की धमकी दे रही हो? कैसे रोगी, रो के बताओ जरा। जैसे रोते हैं वैसे। कैसे रोते हैं आप, कैसे रोती हो बोलो। ऐसे रोगी तो कोई दिक्कत नहीं है, रो आराम से। टीवी बंद करके आता हूं। कर दो कोई बात, खेलना नहीं है आपको, क्यों बच्चे बुला लो ना बाहर, जाओ सब लोग खेल के आओ, थोड़ा एक्टिविटी करके आओ, थोड़ी देर बाद साइकिल चलाओ, जाओ जाओ साइकिल चलायो, साइकिल अभी चलो, है ना, लात नहीं मारनी, अभी साइकिल चलाया ना, ठीक है, बस लड़ाई नहीं। इधर देखो, अभी रुक जाओ, दीदी साइकिल चलवा के लेकर आएगी, ठीक है, साइकिल पे घुमाएगी, ठीक है, ठीक। सो मम्मी पापा जी तो पहुंच गए घर बिल्कुल राइट टाइम, 3:30 बजे आगरा पहुंच गए थे, और आई थिंक 15 से 20 मिनट में उन्हें घर पहुंचने में लगी होंगी वहां से, तो आज बिल्कुल राइट टाइम रही थी बस, और टाइम से घर भी पहुंच गए वो लोग। और मौसम भी ठीक था, कोई खास ज्यादा गर्मी नहीं थी, नॉर्मल मौसम था, हवा चल रही थी, ठंडा मौसम हो रहा था, तो सही रहा उनका सफर। और हमारी थकान का ये हाल हो रहा है कि जहां भी थोड़ी देर लेटती हूँ ना, इतनी तेज नींद आ रही है कि जब मर्जी सो जा रही हूँ, जितनी थोड़ी सी भी लेट रही हूँ वहीं सो जा रही हूँ, इतनी तेज नींद आ रही है। नींद क्या मतलब, ये थकान मिटेगी जितनी नींद हमारी पूरी नहीं हो पाई है, लेट हो रहे थे सोने में, तो नींद पूरी हो जाएगी तो हम भी थोड़ा नॉर्मल सा महसूस करेंगे, सब भारी भारी सा रह रहा है और एडिट भी नहीं कर पाई सुबह, बड़ी मुश्किल से मैंने ब्लॉग एडिट किया, करते करते सो जा रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा, 1 बज जा रहा था डेली, 1:30 2 ऐसा टाइम हो रहा था, फिर नहीं हो पाता ना, तो लेट तो नींद का इफेक्ट तो रहता ही है। गाइस, रिशु आज आप सबको सुनाने वाली है चंदा मामा। सुनो रिशु, स्टार्ट। चंदा मामा दूर के पूहे पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, मुन्ने को बनाएंगे, बजा बजा के तालियां, हलवा पूरी खाएंगे। गुड गाइस, रिशु ने बहुत अच्छी पोएम सुनाई, इनके लिए क्लैपिंग कर दो प्लीज। और आप भी बच्चों, सभी बच्चों जो देख रहे हैं ये पोएम लर्न कर ले, है ना रिशु? यस, वरना तो आपकी पिटाई हो जाएगी मैडम से। मम्मा क्या कर रही हो, कभी कुछ वहाँ से उठा के रख रही हो या वहाँ से यहाँ कर रही हो? ये बताओ, जब हम पार्टी में जाएंगे तो काम नहीं फैलता, सामान नहीं फैलता है? हाँ तो आज कौन सी पार्टी है? कल तो गए थे, रात को 1 बजे आए थे फिर हम। अच्छा है, और उसके बाद काम देखो, सैंडल वेंडल सब ऐसे गिरे हुए हैं पार्टी वाले, तो इनको पैक करके रख दू ना, लहंगा ये सब चीज सर्च करके रख दू ना, सही नहीं रहेगा? हाँ तो ये सूट आप क्यों रख रही हो, अपने सूट तो पहना नहीं था। सूट नहीं पहना, सूट पहले पार्लर गई थी ना मैं, जब वहाँ पहना पहन के गई थी, वहाँ से फिर मैंने लहंगा पहन लिया था, तो वो कपड़े वहीं पर रह गए थे, कल हम लेट हो गए जल्दबाजी में, कपड़े में वहीं पे छोड़ आई थी सामान अपना, तो उन्होंने आज भिजवाया है मेरा सामान। देखो ये रहा, हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, अब मैं लहंगा रख रही हूँ अपना। क्या 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 निकालना है,
आरव क्या निकालना है? अच्छा बताओ आपको क्या निकलवाना है, क्या निकालना है? सही से बोलो, जो भी बोल रहे थे वो बोलो। क्या चाहिए, क्या निकालना है? अभी आरव बोला चार परचाई निकाल दो। चार परचाई ये तो लोगों को खजाना दिख गया। क्यों डॉक्टर साहब, ये निकल गई चार परचाई। लो भाई लो, एक साइड से खोल लिया, एक साइड से अरे आपको यही सोना पड़ेगा अब इस चार पचाई पे ही। ठीक है, ठीक है, डन। हाँ बता देना, मैं बता दूंगी आज। अभी मौत का कुआं देखने आए भाई, मौत का कुआं देखने। मैं यहाँ से चलूंगा। ये देखो, ये चल रही इनकी स्लाइडिंग। अरे अरे आराम से, बच्चों के यही तो गेम होते हैं बचपन के। और क्या है ये, इससे ना लग जाए कॉर्नर से। चोट मत लगा ले। हाँ ये से लग सकती है। ओ दादी नीचे उतर, तुम नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर जल्दी। तेरे में दोनों से ज्यादा वजन है भाई, उतर जा। ये कुछ करे मान दे नहीं, चीट टूट जाएगी बेटा, टूट जाएगी, टूट जाएगी, तगड़ी आराम से। तुम गिरोगे और कुछ नहीं है। अब रुको, तुम्हारा टैक्सी पी। अभी मुझे ये पैक करके रखना है इसमें। अभी ड्राई क्लीन नहीं करवा रही, एक बार और पिन जाएगा ना, क्योंकि ड्राई क्लीन किया ही हुआ था ये पहले से। एक बार और पिनेगा तो उसके बाद कराऊंगा। वैसे वहां पर कोई मिट्टी विट्टी तो थी नहीं ज्यादा नहीं बिल्कुल। किसी में लगवा, अपने पास रखी हुई है ना, किसी सूट के नेक पर बनवा दूंगी वी शेप करके, है ना ताक्षु, ऐसे करके और ऐसे करके आ जाएगा। हाँ। नहीं पिंक हो, चाहे लाइट कलर का, वाइट कलर का कुछ हो, इसे पर रख दूं क्या? ऐसे करके है, इसी कलर पे अंदर रख दो। इसे अंदर नहीं, मैं इसमें कुछ कपड़ा लेके बनवा लूंगी। हाँ, तो इसे रख दे, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इस जरा सी 150 रुपए की लेस के लिए मैं 2-3 हजार रुपए खर्च करूँ। बकवास कर, इधर दे। अरे अभी नहीं, नहीं बाहर में फिर निकालना तो पड़ेगा ना, ये बाहर नहीं निकालना। क्या मतलब है? पहे पहे पहे, इसे कहते हैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। मतलब थोड़े से उसके लिए ज्यादा खर्च कर देना। अरहर की टट्टी। बच्चे कहाँ गए? पापा जी के साथ। पापा जी के साथ। रूम की क्या हालत कर रखी है देखना, हद है। ये मैडम है, जहाँ जो चीज फेंक देती है उठा के नहीं रखती। ये वाला रख दिया पिल्लो वहीं पे। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल, यही सब फिर उसके नीचे चली जाती है बैठ के। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, कल मिलूंगी आपको एक नए व्लॉग के साथ। सो बाय, हैव अ नाइस डे एंड नमस्ते। व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। सो बाय।